ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको बार बार सुनाना चाहिए और सबको सुनाना चाहिए उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल इससे अच्छी नहीं मिलती कि किसी तरीके से ऐसी चीज़ की जाए कि सारी दुनिया वाले कोलैबोरेटिवली एक सोल्यूशन की तरफ आएँ और सिर्फ सोल्यूशन की तरफ नहीं ये नहीं कि सिर्फ बैठ के कहानी लिखें और रिपोर्ट लिखें जैसे अब हो रहा है आजकल टोक्यो प्रोटोकॉल पेरिस प्रोटोकॉल वगैरह के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जो काफी सारी लोगों ने कहानी लिखी लेकिन कभी कोई अमल करता था दूसरा कभी अम, अमल नहीं करता था अमेरिका कभी आ, आ, जाता था अंदर अमेरिका कभी गया जी हमें नहीं चाहिए हम इसमें नहीं है पेरिस प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ लेकिन ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा था कि जिसके अंदर सब मिलकर बैठे और उन्होंने कहा कि इसका हल कोई जरूर ढूंढना चाहिए नाइनटीन में हुआ था कहानी सेवेंटीज में शुरू हुई है ठीक है ना ये तकरीबन सत्रह साल बल्कि बीस साल समझ लें बीस बीस साल तक के ये पूरा साइंटिस्ट कहते रहे कि कुछ करें आप अपने पॉलिसी वाली मसला है ना साइंस साइंटिस्ट साथ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोल्यूशन बता सकते हैं लेकिन जब तक के पॉलिसी पे अफेक्ट नहीं करें को, को, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते तो ये उन्होंने वो 1987 के अंदर उन्होंने ये मॉन्ट्रियल में बैठे थे ये सब लोग और उन्होंने ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखा था जिसमें ये लिखा था कि इसकी जो 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 चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं ना ओजोन होल उनकी कॉन्सेंट्रेशन 2000 के अंदर ये 87 की बात है तेरह साल के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन आधी कर देंगे ठीक है ना इसका मतलब वो फिर हो, ओजोन होल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा लेकिन ये एक बड़ी मजे की बात है कि वो आधी तो खैर छोड़ के सारी जितनी भी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही थी ना मैं उनके साथ एक एक कंपनी में कोई 11 साल इनके साथ मैंने काम किया था उसका नाम था डुपॉन्ट कंपनी डुपॉन्ट जो थे सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे सी के सबसे बड़े यानी उनकी एक चौथाई समझ लें जो चीज़ें थी ज़्यादातर तो वो प्लास्टिक वगैरह बनाते थे लेकिन काफ़ी बड़ी उनकी परसेंटेज प्रॉफिट की सी से आती थी उन्होंने कहा यार अब दो तक के तो फिर भी आधा तो रह जाएगा प्रॉब्लम तो ऐसा करते हैं बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं वो उन्होंने खुद से नहीं किया ये यूरोपियंस वालों ने वो किया कि हम 2000 तक के इंतज़ार क्यों कर रहे हैं हम अभी क्यों नहीं ख़त्म करते तो उन्होंने ख़त्म करना शुरू की प्रोडक्शन तो देखा देखी डुपॉन्ट ने कहा का ऐसा ना हो कि पब्लिक कहे कि जी यूरोपियंस ने तो ख़त्म कर दिया है और आप अभी तक बना रहे हैं तो शायद कुछ वो पोलिटिकल प्रेशर सोशल प्रेशर भी था आ, थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला केस था आ, तो वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कहते हैं सी आर एस उसके थ्रू शायद इनको कुछ ध्यान आया कि भाई इनको ख़त्म करना चाहिए तो वो ख़त्म कैसे करते कि सारा प्रॉफिट उनका ख़त्म हो जाता तो उन्होंने क्या किया कि अपने यकीन ये उनकी बड़ी अच्छी बात है के साइंसदानों को कहा कि भाई कोई इसका ऑल्टरनेटिव ढूँढे तो कुछ अरसे में साइंसदानों ने नया ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया उसका और वो फिर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया तब चूँकि एक इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता था सी एफ सी इतनी बड़ी तादाद में या आप देखें ना एक ग्लोबल अफेक्ट हो रहा है इसका ये नहीं कि कोई छोटी किसी जगह अफेक्ट तो हो रहा हो ग्लोबल अफेक्ट है ये तो वो इतनी इतना बड़ा इत, इतनी प्रोडक्शन थी उसकी उसको एकदम से डुपॉन्ट वालों ने कहा अच्छा ये इस्तेमाल करें आप ये ना करें ये जो है जैसे ओपीआईट का प्रॉब्लम आपने आजकल सुना होगा कि लोग ड्रग्स लेते हैं ये वो तो जो कंपनियां ड्रग्स बनाती है ना वही कंपनियां ड्रग की तोड़ भी बनाती हैं ये मजे की बात है इसका मतलब उनको पैसा ड्रग बनाने से भी आ रहा है और ड्रग के तोड़ करने से भी उनको पैसा आ रहा है तो शुरू में लोग यही समझे थे कि भाई डुपांड का यही है कि वो सी भी बनाएंगे और सी का बदल भी बनाएंगे तो उनका डबल प्रॉफिट हो रहा है तो बहरहाल नीयत जो भी थी उन्होंने सी सी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसके अल्टरनेटिव क्योंकि वो पहले थे मैदान में आने वाले तो उनकी उसकी वजह से काफ़ी सारा फायदा उनको पहुंचा बहरहाल बॉटम लाइन ये थी कि जो टारगेट था कि यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे तो 2030 तक के ऐसा हो जाएगा कि शायद बिल्कुल रिकवरी हो जाए तो वो रिकवरी मैं आपको दिखाता हूँ कि यकीन रिकवरी शुरू हो गई है कब तक तो होगी उसका तकमीना भी है कुछ वो मैं भी आपको एक ग्राफ के ज़रिए बताता हूँ तो नाइनटीन uh, में अब नाइनटीन एटी सेवन में हुआ था और 2000 का टारगेट था कि आधा कर देंगे इसकी प्रोडक्शन 1995 में बिल्कुल बंद होगी प्रोडक्शन सी एफ सी की थोड़ी बहुत जो बची थी ना वो फिर स्मगलिंग के जरिए क्योंकि वो सस्ता वो सबसे वही चीज़ था जो एयर कंडीशनर को रिपेयर करने जाए तो दस डॉलर में वो पुराने वाले सी एफ उसमें डाल देता था वो बराबर हो जाती तो काफ़ी मेक्सिको में काफ़ी जखायर मौजूद थे जो कि फिर नॉर्थ अमेरिका में स्मगल होना शुरू हो गए थे लेकिन वो खा जब ख़त्म हो गए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई अब वो महंगा वाला जो अल्टरनेटिव है ने, ने जो बनाया था वो डालना पड़ता था तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा थोड़े दिन चलता रहा इतनी इमीजिएटली उसकी रिकवरी नहीं हुई ओजोन होल की लेकिन अब होना शुरू हो गई है तो ये सारी दुनिया ये पूरा एस्टिमेट देखें जो पचास साल के अंदर दो तक के उनको जो ख़त्म करना था और आधा करना था उससे कहीं आगे निकल चुके हैं ये लोग तो अब इसकी आप वो नंबर देखें अब ये वो देखें कितना कम होता जा रहा है ओजोन होल ऊपर वाले में पूरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है लेफ्ट साइड पे कंसंट्रेशन है राइट साइड पे टाइम है जो ईयर्स का टाइम है तो वो सारी रिकवरी जो है इससे जाहिर हो जाती है कि काफ़ी सारी रिकवरी शुरू हो गई है लेकिन उसका सबसे अच्छा जो ग्राफ है वो मेरे ख्याल में ये है एक्चुअल जो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन है वही डॉपसन यूनिट के अंदर जो मैंने आपको पहले समझाया था पहले तो लेफ्ट साइड पे देखें 1960 से 2000 तक के वो 1987 में प्रोटोकॉल हुआ लेकिन वो उसका काम तो चलता चलता रहा है ना 1995 में जाके बिल्कुल बंद हुआ वो बिल्कुल जो बॉटम जो आया था वो नाइनटीन के आसपास पास ही है इस पीक का इसका मतलब कि उस वक्त सबसे कम हो गई थी उसके बाद उसने रिकवर करना शुरू हुआ थोड़ा से फ्लैट रही है ना 2020 तक के अब उसने ऊपर जाना दोबारा शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता ठीक है ये 2020 तक के तकरीबन उतना का रिकॉर्ड है दो हज़ार तक के अब आप आगे के अगर उसको प्लॉट करें तो शायद और भी ऊपर आए जो रेड डॉट है ना वो थियोरेटिकल प्लाट्स हैं वो उनका ये है कि आगे जाके उसका जो अगर इस तरह चलते रहे इस तरह ये ग्राफ में तो उससे उसका ओजोन होल कितना रिपेयर होगा ठीक है वो आप ऊपर देख लें उसकी कंसंट्रेशन देख लें होल देखें 2017 में होल का क्या असर था कितनी लो हो गई थी कॉन्सेंट्र जितना येलो होगा उतनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी राइट साइड पे जाते रहे वो सारा जो येलो है ना वो सारा जो डार्क ब्लू जो है जो कम से कम कॉन्सन्ट्रेशन है वो डार्क ब्लू की इंटेंसिटी कम होती चलेगी दो हजार के अंदर दो की बात थी कि दो में बिल्कुल रिकवर हो जाएगा लेकिन एस्टिमेट ये है कि दो तक के तकरीबन ये सारा जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा ख़त्म होने का क्या मतलब है ये मैं नहीं कि वो बिल्कुल ओजोन होल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वो तो सीजनल चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि होल बनता है ख़त्म हो जाता है होल बनता है ख़त्म हो जाता है वो इसके विंटर सीजन की वजह से वो कितना बना होल और कितना ख़त्म हुआ वो उसकी रिलेटिव चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कितना वो बिल्कुल ज़्यादा ना बढ़े अब ये पूरी उसकी कहानी देखें एक्चुअल कॉन्सनट्रेशन के अंदर अब ये फॉर एग्जांपल आप 2005 का नंबर देखें 2005 का होल देखें और नीचे आके 2017 का होल देखें तो फर्क फ़र्क साफ ज़ाहिर है बिल्कुल अच्छी तरीके से वो ओज़ोन की कंसंट्रेशन है वो रिकवर हो गई है इस सिलसिले में तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अब ये 2019 की बात है ये ये आर्टिकल जो है अब इसमें दिस ईयरस ओज़ोन होल इज़ स्मॉलेस्ट एवर रिकॉर्डेड ये बड़ी बात है ना कि नाइनटीन से चालीस पचास साठ साठ साल के बाद अब रिक, इतनी रिकवरी हुई है कि वो उसका होल जो है वो कम हो के बहुत बहुत ही ज़्यादा नैरो हो गया है तो ये जैसे मैंने पहले शुरू में बताई थी बात कि लोगों को अंदाज़ा हुआ कि प्रॉब्लम ज़रूर है उन्होंने गवर्नमेंट को भी उन्होंने इंडस्ट्री को भी उन्होंने कंज्यूमर को भी सबको मिला के उन्होंने कहा कि इसका कुछ हल ढूंढना चाहिए और साइंसदान तो थे ही पहले ही उन्होंने हल तो उनके पास पहले ही मौजूद था लेकिन सुनने वाले कोई नहीं थे जब सुनों ने सुनने वालों ने सुना और समझा और उसके बाद उस पर अमल किया और अमल भी ऐसा अमल के जो 2000 में ख़त्म होने वाली बात उन्नीस में ख़त्म हो गई थी पाँच साल पहले उन्होंने सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी थी सी एफ सी प्रोडक्शन के लिए तो वो बहुत बड़ी एक्म्पलिश है ऐसा केस ग्लोबल सोल्यूशन कहीं नहीं मिलता अब देखेंगे आप ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग वाले सेक्शन में ये बिल्कुल उल्टा केस है कि कोई समझता है कोई नहीं समझता कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कोई सोशल प्रेशर है इकोनॉमिक प्रेशर है बिज़नेस प्रेशर है सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से काम उसका ज़रा रुक रुक के चल रहा है हालांकि जो उसके मसाइल हैं वो इससे भी ज़्यादा गंभीर हैं इससे भी ज़्यादा ट्रैजिक हैं इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं जैसे पाकिस्तान में दो के फ्लड से आपने देख ही लिया होगा तो ये एक अच्छी कहानी है अब जो दूसरी बुरी कहानी जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग की है उसका हम आगे जा, जाके अगले वाले मॉड्यूल में बताएंगे